वेलकम एवरीवन। बहुत दुख हो रहा है और अफसोस हो रहा है ऐसे लोगों को देख के जो के पढ़ पढ़ के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं। ये जो इतना हौलनाक केस हुआ पंजाब कॉलेज कैंपस 10 गुलबर्ग में, कि समझ नहीं आती कि मतलब ये कौन लोग हैं। इतनी दूर दूर बैठे बैठे कुछ उनको आइडिया नहीं, सिर्फ उनको एक स्क्रिप्ट दे दी जाती है जो कि पढ़ पढ़ के वो बोल के अपने स्टेटमेंट्स दे देते हैं और एक बात को कंफ्यूज कर दिया। अगर फ़र्ज़ करें ये फेक न्यूज़ है, अगर फ़र्ज़ कर लें ये बिल्कुल गलत है, तो ये जो प्रिंसिपल हैं सादिया जावेद साहबा, ये दीवार फैलांग के क्यों जा रही हैं? इन्होंने सीसीटीवी फुटेज क्यों डिलीट कर दी है? ये स्टूडेंट्स को घर कॉलें करके धमका क्यों रही हैं कि किसी को कुछ ना कहना? या और ये पुलिस वाले जो हैं लड़के लड़कियों पे, स्टूडेंट्स पे इतना बहिमाना लाठी चार्ज क्यों कर रहे हैं कि आधे कई किसी को सर पे डंडा लगा है, किसी का खून निकल रहा है? फिर ये क्यों हो रहा है अगर कुछ भी नहीं हुआ तो? तो ये जो लोग हैं ना, ये जो पेड लोग हैं जो कि बैठ के स्टेटमेंट्स दे रहे हैं अपनी तरफ से, कुछ उनमें काफ़ी फेमस लोग भी हैं, तो आप लोगों को कोई शर्म है? मतलब आप लोगों को कोई है? अपना दिमाग भी यूज़ कर लें भाई, कि इतना वावेला क्यों है? फिर इतनी चीज़ें छुपाई क्यों जा रही हैं? एकदम से कवर अप क्यों किया जा रहा है? कुछ तो है ना। मैंने कहा ना, दाल में कुछ काला नहीं, पूरी दाल ही काली है। तो अफसोस होता है ऐसे लोगों को जो कि रिनाउंड हैं और जो कि बैठ के बोल रहे हैं कि जी फेक न्यूज़ है। फेक न्यूज़ हो तो फिर इतना तशद्दुद और इतना घबराहट और इतनी जो है अफरा तफरी ना हो ना, नहीं होना चाहिए ना। फिर स्टूडेंट्स जो कह रहे हैं उनके उनकी बात कोई नहीं सुन रहा, और जाहिर है इस सिचुएशन में वो बच्ची जो भी है उसको पता नहीं कहाँ उसके घर वालों को थ्रेटन करके उनको बिल्कुल कहीं दबा के रखा हो कि जी उसका तो पता ही नहीं चला। पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस गुलबर्ग लाहौर कैंपस के स्टूडेंट्स ने बहुत बड़ा प्रोटेस्ट किया है। एक फर्स्ट ईयर स्टूडेंट जो गलती से बेसमेंट में बंद हो गई, इसी बेसमेंट में इसी कॉलेज के सिक्योरिटी गार्ड ने इस बच्ची को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, फिर इसके बाद इस पर रेप किया। लड़की की हालत बहुत ज्यादा खराब होने पर इसको ICU में शिफ्ट कर दिया गया। इस मामले को काफी घंटे हो चुके हैं लेकिन कोई खास नतीजा सामने नहीं आया, और कॉलेज के स्टूडेंट्स इसलिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं क्योंकि कॉलेज के इंतजामिया, प्रिंसिपल और टीचर बहुत तरीके से इस केस को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। टीचर सबके वीडियोस और पिक्चर्स बना रही है ताकि एंड पे जो जो प्रोटेस्ट करे उनको सस्पेंड कर दिया जाए, ये है इंसानियत। प्रिंसिपल ने आकर स्टूडेंट्स को काफी ज्यादा थ्रेट किया कि इस हवाले से ना ही कोई पोस्ट लगाई जाए और ना ही इस मामले को हाईलाइट किया जाए। ये कैंपस दुनिया न्यूज वालों के किसी अहम शख्सियत की है, बड़ी बड़ी शख्सियत इन्वॉल्व है इसके इंतजामिया में और इस मामले को खत्म करने में। 24 घंटे हो चुके हैं, इस मामले को अभी तक कोई FIR दर्ज नहीं की गई, ना ही बच्ची की कंडीशन की कोई अपडेट दी जा रही है। इस वाक्य को झूठा करार देने की पूरी कोशिश की जा रही है कि ऐसा तो कुछ हुआ ही नहीं, लेकिन स्टूडेंट्स चुप नहीं बैठे, उन्होंने बाहर निकलकर इसके लिए प्रोटेस्ट किया। और ना सिर्फ गर्ल कैंपस बल्कि बॉयज कैंपस भी इस प्रोटेस्ट का हिस्सा है। इस प्रोटेस्ट की बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। स्टूडेंट्स का कहना है कि टीचर हमारी वीडियोस बना रहे हैं ताकि जो स्टूडेंट्स इस प्रोटेस्ट में शामिल है उनको सस्पेंड कर दिया जाए। कॉलेज के सामने धमकी दी है, तुम्हें निकलवा दूंगी, तुमने बाकी तुमने कॉलेज नहीं आना, मैं भी कॉलेज जाऊंगी, मेरी माँ भी कॉलेज जाएगी। ये इन्हें लगता है ये बच्चा आगना जा रहा है, जो भी अपने हक के लिए बोला जा रहा है उनको बंद किया जा रहा है, ये हाथ भी दे सकते हैं, आने की इजाजत ही नहीं है। टीचर हमने कह रहे हैं कि हम आपको सस्पेंशन लेटर देंगे अगर आप लोगों ने बाइक बोला। ये जिन्होंने हमारी नशोनुमा करनी है उनकी तो खुद नशोनुमा होने वाली है, वो हमें क्या सोचेंगे? तो खुद ही पता कि बच्ची का हक नहीं रहेगा, उनको हक दिलवाए। इस इंसाफ के लिए स्टूडेंट्स सड़कों पर निकले हैं, अभी तक वो उनको मिल नहीं सका, बल्कि प्रोटेस्ट करने वाले स्टूडेंट्स को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, मारपीट से काम लिया जा रहा है। कॉलेज इंतजामिया बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं करी लेकिन फिर भी स्टूडेंट्स पीछे नहीं हटे।